but you made click. हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर इंपैक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में। मैंने जो है मेरा चैनल का जो नाम था वो पहले खाके बिहारी मैथ क्लासेस था, जो कि अब उसका नाम चेंज हो गया है करियर इंपैक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आप लोगों का जो मैट्रिक का एग्जाम है वो 17 फरवरी को है, तो उसी से संबंधित जो एक फैक्ट है माध्यम और बहुलक, ये तीनों में रिलेशन संबंधित एक क्वेश्चन पूछता है, डेफिनेटली फिक्स है एक क्वेश्चन इससे जरूर रहेगा। तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे ताकि आप लोगों का इससे जो क्वेश्चन आएगा इससे संबंधित तो वो आप लोगों को नहीं छूटे, इसीलिए आप लोगों के लिए इस पर एक वीडियो लेकर आए। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए इसको ध्यान से देखिएगा और ये क्वेश्चन बहुत कीजिए, जो कि ऑब्जेक्टिव में आपको सीधे देखने को मिलेगा, एक नंबर या फिर दो या तीन नंबर इससे संबंधित क्वेश्चन तो फिक्स दे देगा। तो आप लोग इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे तो आप लोग क्लियर हो जाना चाहिए, उसी के लिए आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा, बहुत तेजी से बनेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः, पहले माध्य आ गए तो माध्य 26.8 और माध्यक है 27.9, इसका बहुलक प्रतिलिप्त करें, मतलब बहुलक को निकालना है, बहुलक कितना होगा। माध्य बोल दिया 26.8, माध्यक बोल दिया 27.9, तो आपका बहुलक क्या होगा। तो सबसे पहली बात, माध्यक और बहुलक ये तीनों में रिलेशन का एक फॉर्मूला होता है जो आप लोगों का याद है कि नहीं, लिख देते हैं। फॉर्मूला तो है आप लोगों का माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 × माध्य माइनस माध्यिका। इससे आपका टोटली क्वेश्चन इससे संबंधित बन जाएगा। तो इसी फॉर्मूले पे आपको कुछ नहीं सिर्फ बैठाना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो आते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट में, एक नंबर का सॉल्यूशन आते हैं। आपका क्या दे रखा है, माध्य कितना दे रखा है आपका 26.8 और आपका माध्य दे रखा है 27.9। तो आपसे पूछा है बहुलक क्या होगा, बहुलक बराबर वाट, बहुलक इक्वल टू वाट आपसे पूछा है, बहुलक निकालना। तो देखिए आप लोग यहाँ से सॉल्व कीजिएगा ना, तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला निकल कर आएगा, बहुलक इक्वल टू आएगा 3 माध्य माइनस 2 माध्य। इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी पूछता है कि माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर मतलब घटाव क्या कहलाता है, तो आप बोलिएगा बहुलक। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम माध्य का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर कहलाएगा आपका बहुलक, इसी पर बन जाएगा। हमसे बहुलक पूछा है तो बहुलक बराबर हो जाएगा आपका 3 माध्य माइनस 2 माध्य। ये माध्य का आपका देखा कितना 27.9, माध्य आपका देखा 26.8, आप गुणा कर लीजिए, यहाँ से हो गया 27 + 81 = 83.7, यहाँ से गुणा कर लीजिए आप 26 / 52 हो गया 53.6। ओके, यहाँ से घटा लीजिए 83.7 में, यहाँ घटा लेंगे तो आपका सामने से क्या है, यहाँ पर आ जाएगा 30.1 आपका आ जाएगा बहुलक। सब इसी फॉर्मूला से आपका दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तो अब आते हैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन 2 में, यहाँ पर आपका क्या दे रखा है, समांतर माध्य, समांतर माध्य माध्य को भी बोला जाता है,
सिर्फ उसका नाम है। तो आपका मार्क इसमें कितना दे रखा है बाबू? 24.6। और ये आपका बहुला दे रखा 26.1। तो आपसे मार्क देख पूछा है, तो आप ये फॉर्मूला लिख दीजिए, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 × माध्य माइनस माहिका। तो आप लोग यहां से सॉल्व कीजिएगा, इससे एक फॉर्मूला निकल कर आएगा जो है 3 माध्य बराबर, यहाँ से आप लोगों का निकल जाएगा ना, 3 माध्य बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक। 3 माध्य बराबर बहुलक, ये माइनस 2 माध्य कर जाएगा तो प्लस का 2 माध्य, ये ना होता है। यहाँ से ये तो निकल सकता है ना, यहाँ से माध्य का स्पेस लिस्ट जो निकलेगा वो कितना निकलेगा आपका, यहाँ से आप लोग नहीं दिख रहा होगा शायद, तो आप यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए, तो यहाँ से आप लोगों का माध्य बराबर आ जाएगा फॉर्मूला बहुलक प्लस 2 माध्य बटे 3। बस इस पर बैठा लेना आपको आ जाएगा, बहुलक आपका कितना दे रखा है 26.1 प्लस 2 × माध्य, माध्य कितना दे रखा है 24.6 बटे 3। और लीजिए आप 26.1 प्लस, आप गुणा कर सकते हैं, 24 × 48 हो गया, 6 × 12 49.2 बटे 3। आप लोग यहाँ पे घटा सकते हैं कितना जाएगा, ये जोड़ है ना, जोड़ दीजिए आप लोगों का कितना जाएगा, 2 × 1 = 3 ना 6 × 15 हो गया आपका 4×6 = 7 / 3। तो आप लोग भागा दे दीजिए कट जाएगा, ये कितना मारते हैं दे दीजिए आपको 25 × 75 आता है, वही कट जाएगा आपका 25.1। तो आपका माध्य निकल कर आएगा वो 25.1 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टॉपिक से आप लोगों का जब क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोगों का नहीं छूटेगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, अरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अभी जो एग्जाम आ रहा है 17 फरवरी से, इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो आप लोगों के लिए लाते रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।